kids, welcome back to your SST class. I hope you all are doing well. So children, today we are going to start with a new lesson of your book Jellybean Journeys, a book for SST by Brainwood Publications. And today we are beginning with lesson number 15, that is the United Nations. आज हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी यूएन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ संयुक्त राष्ट्र या ऐसे कुछ संयुक्त देश जो एक साथ आकर विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं, यानी वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये इनका मेन मोटो है, टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर वी स्टार्ट लेट अस गो थ्रू वॉट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो आज का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ, ओके। ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, यानी यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं, वॉट आर द एजेंसीज ऑफ यूएन, एंड इंडिया के साथ यूएन का कैसा संबंध है, यानी इंडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशंस में। ऑल राइट, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर लेट्स लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दीज आर सर्टन इमेजेस गिवन एंड देर इज अ हेल्प बॉक्स, ठीक है। इसमें एक हेल्प बॉक्स है, यू हैव टू मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। आपको नेम्स मैच करने हैं पिक्चर्स के साथ, ओके। सो कैन यू डू दिस? So you need to find out on your own which picture will be matched with which. ये आपका एक mental exercise है, you need to find out and identify इनमें से Trivalai कौन है, Kut Waldheim कौन है, Boutros Ghali कौन है, Uthant कौन है and Kofi Annan कौन है, okay? ये सभी United Nations के former General Secretaries रह चुके हैं। Now let's begin the chapter. The First World War began in 1914 and lasted until 1918. Yani pehla jo vishv yuddh tha wo 1914 mein shuru hua aur 1918 tak chala, yani 4 saal jo hai alag alag countries mein fight chalti rahi aur ise hum World War 1 ke naam se jante hain. There was mass destruction of life property which led to worldwide desire of peace. और वर्ल्ड वॉर वन के दौरान सभी ने एक बात मानी कि इस विश्व युद्ध से बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, लोग मर गए हैं, चारों तरफ एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति थी और लोगों का मानना था इसीलिए विश्व शांति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारे जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो आपस में मिलजुल के रहें, that is very much needed. This desire led to the creation of League of Nation. और इसी सोच के साथ एक group form किया गया different different countries के साथ। जब सारी countries, मतलब not all the countries of the world but many countries of the world came together and a particular group or league was established in 1999, ठीक है। The President of United States of America, Woodrow Wilson, played a role in formation of the League of Nations. It had that time 63 members. यानी उस टाइम पे जब इसको फ्रेम किया था तब इसमें 63 members हैं different different countries. यानी 63 countries ने इसमें membership ली, 63 countries ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सब ने मिलके ये लीग या ये ग्रुप बनाया। इट्स मेन एम वॉज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अनदर वॉर। और इस ग्रुप का मेन पर्पस क्या था कि दोबारा हम ऐसी सिचुएशन नहीं आने देना चाहते जहाँ पे वर्ल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो, यानी दोबारा हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं चाहते किसी भी परिस्थिति में। However, the League failed as Second World War, which took out in 1939 and lasted till 1945. लेकिन ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, काफ़ी कामयाबी के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में और ये 1945 तक
चला. Many cities and towns were destroyed and millions of people were killed and injured. Second World War first से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग, मतलब सैकड़ों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई. Alright? People of the world were shocked. They realized that future wars could destroy humanity. ये जो Second World War था, ये इतना भयानक था कि लोग सहम गए, लोग डर गए. उन्हें लगा कि अगर एक और वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर इस दुनिया को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वर्ल्ड वॉर को रोकें किसी भी तरीके से. परमानेंट पीस वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस. उनका कहना था कि विश्व शांति ही एक ऐसा तरीका है जिससे सब जगह सब लोगों को खुश रखा जा सकता है. It was this thought which gave birth to United Nation Organization. और इसी सोच ने जो है United Nations की नींव रखी. Formation of the United Nations, किस तरीके से United Nation form हुआ, यानी तैयार हुआ, ठीक है, इसकी रचना कैसे हुई. The United States of America, United Kingdom, Soviet Union and China, ये चार important countries आपस में मिली और इन्होंने बैठक की, मतलब meeting की in 1944 at Washington DC and drafted a chapter for the new organization. उन्होंने मीटिंग के दौरान एक नया चैप्टर जो है ड्राफ्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी और इस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या होगा. ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वॉज साइंड एट सैन फ्रांसिस्को ऑन June 26, 1945. The UNO was formed on October 24, 1945 at San Francisco. So, June में इसका जो है written memorandum या charter sign हुआ और finally ये enforcement में आया October में, मतलब October से इसको properly start कर दिया गया. The main of aim क्या होगा United Nations का? The main aim of United Nations was to maintain world peace and security. यानी विश्व में जो लोग रहते हैं उन सभी में शांति बनी रहे और सभी सिक्योर्ड महसूस करें, सभी सेफ महसूस करें, यही मेन एम है यूनाइटेड नेशंस का. रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 51 कंट्रीज मेट फॉर 33 डेज एट सैन फ्रांसिस्को एंड फ्रेम द चैप्टर. यानी 51 डिफरेंट कंट्रीज में से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आए, इम्पॉर्टेंट पीपल आए और उन लोगों ने 33 डेज तक अलग अलग तरह की मीटिंग्स की, चर्चा की और फाइनली यूनाइटेड नेशंस किस तरह से वर्क करेगा, क्या क्या उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, ये सब चैप्टर वाइज नोट किया गया. द चैप्टर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. यानी यूनाइटेड नेशन के जो सिद्धांत हैं, किस बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस काम करेगा, ये सब इन चैप्टर्स पे लिखा हुआ है. October 24 is celebrated at the United Nations Day. क्योंकि October 24 को ही properly United Nations start हुआ था, इसीलिए इसको UNO Day के नाम से भी celebrate किया जाता है. The headquarters of the UN is situated in New York, USA. Trygve Lie of Norway was elected as the first Secretary General of United Nations. वो पहले सेक्रेटरी जनरल बने यूनाइटेड नेशन के. उसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोग सेक्रेटरी जनरल बने हैं. ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इट्स ओन फ्लैग. यूनाइटेड नेशंस का अपना अलग फ्लैग है, वो सारी कंट्रीज़ में से किसी किसी का फ्लैग नहीं चूज़ करता, उन्होंने अपना अलग से फ्लैग बनाया हुआ है. इट इज़ लाइट ब्लू इन कलर विद अ वाइट UN एम्ब्लेम ऑन इट. उसके वो वाइट ब्लू कलर का है और उसके ऊपर जो है वाइट कलर से जो लोगो है यूनाइटेड नेशंस का वो बना हुआ है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं यूएन के. द यूएन इज़ अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस. यानी वर्ल्ड पीस जो है सबसे मेन या टॉप प्रायोरिटी पे आता है. सबसे पहले विश्व शांति को मेंटेन रखना, विश्व वर्ल्ड में कोई किसी पे हमला ना कर दे, इस चीज़ को देखना यूएन का काम है. इट एम्स टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग वेरियस नेशंस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू इंटरनल लॉज. यानी
अगर हर कंट्री अलग अलग है, हर कंट्री को रूल करने का तरीका अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, यूएन का काम है लोगों में या कंट्रीज़ में तालमेल बिठाना, ठीक है, ताकि कोई कंट्री आपस में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा ना करें, या अगर कोई डिस्प्यूट हो भी गया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तो उसको रिजॉल्व कर दे, उसको सुलझा सके, ठीक है. द UN tries to solve the problems and discords between nations through dialogues and discussion. UN क्या करता है, मीटिंग के लिए बुलाते हैं और वहाँ पे जो है डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद पूरी बातें सुनी जाती हैं, मुद्दों पे चर्चा होता है, उसके बाद फाइनली कोई कंक्लूजन दिया जाता है. इट प्रमोट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों पर ही UN के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं काम करते हैं. It works towards solving the economic, social and humanitarian problems with international cooperation. It also works to save the world from another war. Yani ek aur, yani tritiya vishwa yudh hum nahi jhel sakte. To ye paristhiti na aaye ki phir se vishwa yudh ho, usko rok ke rakhne ka kaam bhi UN ka hi hai. The UN plays a very vital role in restoring the world order. UN plays an active role in providing technical and scientific assistance to the needy country. जिस भी country को need होती है scientific या technological help की, वो UN उनको provide करती है. It or does not have any particular army or a country of its own. It however has the authority to ask for army or any other country help from the member countries whenever required. अब UN का, UN is a association, ठीक है ना, United Nations तो एक group of associations है जिसमें different different countries participate करती है, तो ये अलग से अपना कोई army maintain नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, हाँ लेकिन provision ज़रूर है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो UN किसी भी member country से, मतलब जो UN के members हैं जो countries, उनसे बोल सकती है, उनसे कह सकती है कि हमें मदद की ज़रूरत है या हमें आपकी कंट्री से आर्मी की ज़रूरत है तो आपको हमारी मदद करनी है. एंड द कंट्री, मेंबर कंट्रीज आर बाउंड टू हेल्प द UN. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू एलिवेट पावर्टी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो नेशंस अभी डेवलप नहीं हुए हैं वहाँ से गरीबी को हटाने का काम भी UN करती है. And it also provides medical and other humanitarian aids whenever required. जब भी किसी country में या किसी भी जगह में ज़रूरत पड़ती है medical aids की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी तरह का major deprivation हो जाता है, मानो कहीं पर सुनामी आ गई, हमने natural disasters के बारे में पढ़ा है, अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक कुछ natural calamity ने किसी particular country को hit किया and the country needs help, तो UN ज़रूर support करती है. The six official languages of UN are English, French, Russian, Spanish, Chinese and Arabic. ये छः जो हैं UN की official language हैं. All right. Organs of the UN. अब UN does not have, UN is an entire entity. उसके अपने अपने अलग अलग organs हैं जो अलग अलग purposes के लिए काम कर रहे हैं. The UN acts as a world parliament. It has representatives from all the member countries. The main organs of UN are as follows. First, the General Assembly. This is the picture of the General Assembly of UN. जैसे Parliament होता है तो ये World Parliament है, यहाँ पे World Representatives आकर अपनी अपनी बातें रखते हैं और फिर चर्चा होती है, ठीक है. This is the auditorium where the entire discussion takes place. The General Assembly is the main body of UNO where the representatives of all member countries sit and discuss matters. It is like the Parliament of UNO. The assembly has the power to admit new members into UNO. अभी assembly के अंदर ही power होता है कि कोई नया member अगर participate करना चाहता है तो उनको team में लेना है या नहीं लेना, ये completely UN assembly decide करेगी. All the members have equal representation. हर member का equal भागीदारी है. And they have also the right to vote. मतलब किस चीज़ से वो सहमत है, किस चीज़ से वो सहमत नहीं है, ये वो freely express कर सकते हैं voting के through. The first session of General Assembly was held on January 10, 1946. The assembly meets once a year and the session runs from mid-September to mid-December. So, हर साल एक बार ये meeting होती है जहाँ पे सारे representatives जाते हैं और ये mid-September से mid-December तक चलती है. If there is an emergency, अगर कभी कोई बहुत emergency हो गई तो special meeting बुला ली जाती है. The decision of General Assembly is taken by cast of votes, यानी votes करके ही
फाइनल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी के भी मन में कुछ हो तो वो डिसाइड कर दिया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो सब अपना अपना मत दान करेंगे, यानी कि अपना अपना वोट देंगे हाँ या ना में, और उसके बाद मेजॉरिटी जो मान्य होगा वही चीज़ जो है फाइनली डिसाइड होती है। इसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज़ द सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के लोग होते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इट कंप्राइजेस 15 मेंबर्स, 5 जो कि परमानेंट है, ठीक है, 15 में से 5 हमेशा के लिए परमानेंट है। द 5 परमानेंट मेंबर्स आर USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। हैव द वीटो पावर, इनके पास वीटो पावर रहता है, विच लिटरली मीन्स 1 डिनाई, यानी कभी अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए जिसमें ये एग्री नहीं कर रहे तो ये डिनाई कर सकते हैं। सो इफ़ एनी वन मेंबर वोट अगेंस्ट एन इशू बींग डिस्कस्ड इट कैन नॉट बी पास्ड। द नॉन पार्लियामेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स, यानी जो दूसरे मेंबर्स हैं वो दो दो साल के लिए सिलेक्ट होते हैं और फिर दे कीप ऑन चेंजिंग, क्लियर। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज इकोसॉक। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी और सोशल वर्क का काम जो है ये काउंसिल देखती है। ऑलराइट, एंड रिकमेंड्स एक्शंस ऑन इश्यूज सच एज ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी फॉर वुमेन, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। इसके अंडर 54 मेंबर्स आते हैं, ठीक है, ये इकोसॉक के अंदर 54 मेंबर्स आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आती हैं 54 जो कि इसके लिए काम करती हैं। ये भी जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं और हर साल 3 साल में इसको बदल दिया जाता है, ठीक है, मीन्स द ड्यूरेशन इज 3 ईयर्स। इट फंक्शंस थ्रू इट्स वेरियस कमिटीज एंड कमीशन, अलग अलग कमिटीज बनी हुई हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, तो अलग अलग कमिटी अलग अलग मुद्दों पर काम करती हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश इन 1945 टू हेल्प द कॉलोनाइज कंट्री टू बिकम फ्री। दिस ऑर्गन इज नॉट एक्टिव एज लास्ट कॉलोनाइज कंट्री पलाओ बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1994। मतलब इसको, इस पर्टिकुलर कमिटी का गठन तो किया गया था UN में ताकि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं या जो डिफरेंट कंट्रीज़ को जिन लोगों ने अपने अंदर अधीन कर रखा है उनको स्वाधीन करने के लिए, मतलब उनको स्वतंत्र करने के लिए, पर नाउ दिस हैज़ बीन डिसॉल्व्ड। अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल इतना ज़्यादा काम नहीं करती है। इसके बाद हम आएंगे ICJ, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज़ द पिक्चर, यहाँ देख रहे हैं आप पिक्चर में, सो मेनी जूरीज आर देयर, मेंबर ऑफ जजेस, डिफरेंट डिफरेंट जजेस हैं। ऑलराइट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट इज लीगल कोर्ट ऑफ UNO। इट हैज़ 15 जजेस, इसमें 15 जजेस हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली इलेक्ट ऑल द जजेस फॉर पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। यहाँ पे जो भी जज इलेक्ट होगा वो 9 साल तक यहाँ पर ऑन ड्यूटी एज अ मेंबर रहेंगे। इट्स हेडक्वार्टर्स इट इज एट हेग, द नीदरलैंड्स। द ICJ एडवाइजेज द मेंबर कंट्रीज ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉज के बारे में ICJ जो है डिसीजंस लेता है। दिस कोर्ट हियर्स डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशन ऑफ UNO, यानी कि अगर UN के कुछ मेंबर्स कंट्रीज हैं उनमें अगर कोई मतभेद हो जाए या डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम कौन करेगी, ये ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगी। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऑफ इंडिया वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम 1885 टू 1988। नाउ लेट्स कम टू द सेक्रेटरिएट। द सेक्रेटरिएट इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ UNO विच लुक्स आफ्टर द डे टू डे ऑपरेशंस, है ना, जो रोज दिन प्रतिदिन के ऑपरेशंस है उनको सेक्रेटरिएट देखता है। सेक्रेटरिएट वॉज एस्टैब्लिश इन 1945। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट, ही एक्ट्स एज द UNO स्पोक्स पर्सन एंड लीडर ऑफ द UNO। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाई जनरल असेंबली अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका जो दारोमदार है, ये इसके जो हेड हैं वो सिक्योरिटी जनरल होते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट करता है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करेंगे और ये जो सेक्रेटरी जनरल हैं यही UNO के स्पोक्सपर्सन भी होंगे और यही UNO के रिप्रेजेंटेटिव लीडर भी माने जाएंगे।
The Secretary General plays a major role in setting the organization's agenda and international security affairs. इसके बाद हम एजेंसी पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूएन. यूएन की डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी है जो अलग अलग कामों के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव रहती है. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज़ टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड फॉर द वर्क ऑफ बेटरमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. द यूएन कैरीज आउट दिस फंक्शन थ्रू सम ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. कैन यू सी द यूनेस्को हेडक्वार्टर्स इन पैरिस. ओके, सो फर्स्ट हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चलता है. यूनेस्को के अंडर साइंटिफिक यानी साइंस से रिलेटेड, कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान होता है. दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टूवर्ड्स स्प्रेडिंग एजुकेशन इन पुअर कंट्रीज एंड इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम टेक्निकल असिस्टेंस. यानी जो पुअर नेशंस हैं वहाँ की कंडीशन को अपलिफ्ट करने का काम यूनेस्को के अंतर्गत आता है. यूनेस्को एजुकेशन प्रोवाइड करती है और साथ ही में टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है जिन नेशंस के लोगों को इसकी ज़रूरत है. इट वर्क्स टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चरल आइडेंटिटीज एंड ऑल्सो द साइंटिफिक अपग्रेडेशन इज डन बाय यूनेस्को. इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है कि वर्ल्ड को खतरा है किस चीज़ से. ये जो पेड़ कट रहे हैं, नेचर की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, गार्बेज बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. सो ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है यूनेस्को रखती है. ऑलराइट, इट आइडेंटिफाइज एंड रिकॉग्नाइजेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फॉर कंजर्विंग द आर्किटेक्चुरल मार्वल्स अक्रॉस द वर्ल्ड. यानी डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी यूनेस्को ही डिस्कवर करती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे जितने भी वर्ल्ड ऑफ वंडर्स हैं, है ना, हम अजूबे जो बोलते हैं विश्व के, जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ताजमहल, ये सब वर्ल्ड ऑफ वंडर्स हैं या रहे हैं. इनमें से कई चीज़ें कोलोसियम, ये सब, इन सब को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है यूएन ही डिक्लेयर करता है. इसके अलावा यूनिसेफ ये चिल्ड्रन के लिए काम करता है, इन्हीं बच्चों के लिए काम करता है. ऑलराइट, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन आंगनवाड़ी सेंटर इन उड़ीसा. यूनिसेफ का कंप्लीट फोकस जो है बच्चों के वेलफेयर और एजुकेशन के लिए जाता है. दिस एजुकेशन वर्क्स फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड्स देम एजुकेशन. जो बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं या जिनके पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं. ऑलराइट, इट वर्क्स फॉर द राइट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट. यूनिसेफ रन्स आंगनवाड़ी प्रोग्राम इन रूरल इंडिया फॉर पुअर चिल्ड्रेन. ठीक है, आंगनवाड़ी प्रोग्राम रन करता है यूनिसेफ जो गरीब बच्चों को मदद करता है. क्लियर. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO बहुत फेमस है. आपने कई जगह WHO के बारे में पढ़ा है. हु, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. एंड नाम से ही पता चलता है, यानी वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर का पूरा दारोमदार हु के ऊपर है. द एजेंसी लुक्स इनटू इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल. लोगों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए वो हु देखता है. इट इज़ अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इन रिसर्च एंड स्टडीज ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन. इट रन्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगेंस्ट एपिडेमिक्स. इट ट्रेन्स हेल्थ वर्कर्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज. यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल लाइन से जितने भी लोग हैं वो सब हु के अंडर में आते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में जितनी तरह की बीमारियां हैं उनसे हम कैसे फाइट करें, किस तरह से कम बैक करें, वो चीज़ें देखता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ FAO. द मेन एम ऑफ दिस एजेंसी इज़ टू फाइट हंगर ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी ये जो भूख की समस्या है, शॉर्टेज ऑफ फूड की समस्या है, क्योंकि विश्व में, वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन खाना कम होता जा रहा है, तो इसको मैच करना वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इट लुक्स टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड टेक्नोलॉजी फॉर बेटर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स. यानी हर जगह खाना मिले और वो जो खाना जाए वो अच्छा जाए, क्वालिटी का फूड ग्रेन उगे, ये सब देखना जो है FAO की जिम्मेदारी है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ILO लेबर. यानी मजदूरों के लिए उनके हित में काम करना, लेबर लॉज बनाना, लेबर्स एक्सप्लॉइट ना हो, ये सब देखना ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम है.
The agency works for the rights of the labor force. It also promotes better standards of working condition to the working class. यानी जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को किस तरीके से बेटर कंडीशंस दे सकते हैं काम करने का, वो सब देखने का काम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है. अब वक्त है कि हम पढ़े कि इंडिया का क्या रोल है यूएन में, या यूएन के साथ इंडिया के संबंध कैसे हैं. इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एसोसिएशन विद यूएन. इट हैज़ बीन अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स. इंडिया बहुत पुराने मेंबर्स में से आता है. इनफैक्ट फाउंडिंग मेंबर्स की लीग में है इंडिया. ठीक है. इंडिया हैज़ ऑलवेज कोऑपरेटेड फुल्ली विद यूएन. इट जॉइन द यूएन ऑन 13 अक्टूबर 1945. यानी जिस टाइम ये फ्रेम हुआ था, इनैक्टमेंट हुआ था, उसी समय से इंडिया हमेशा मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशंस का. इंडिया हैज सेंट हर पीस कॉर्प्स फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशंस. कई बार जब भी पीस कीपिंग मिशंस हुए, इंडिया ने अपनी फोर्स यूएन में भेजी है. विजयलक्ष्मी पंडित ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली. वो पहली ऐसी महिला प्रेसिडेंट थी यूएन असेंबली की, जिन्होंने यूएन को हेड किया है एज अ प्रेसिडेंट. ओके. India has always extended its full support in UN agencies like UNESCO, FAO, ILO, WHO, etc. जब भी ज़रूरत पड़ी है इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़ के UN का साथ दिया है. It has been a strong supporter of use of nuclear energy for peaceful purposes. Nuclear energy को हम गलत तरीके से ना इस्तेमाल करें, उसे हमेशा सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है. और इस काम में हमेशा इंडिया ने UN का साथ दिया है. All right. India's greatest contribution to UN is the policy of non-alignment. During the Cold War, India urged countries to remain neutral or non-aligned to the two superpowers, that is USA and USSR, that is Russia. All right. So India हमेशा जो है पीस चाहता है और हमेशा विश्व शांति के मार्ग पे चलता है, तो वो हमेशा UN को जब भी ज़रूरत पड़ी है हमेशा उसके साथ रहा है और हमेशा मदद की है. Alright, so in this chapter, children, we have learnt that how United Nations are working on a very important mission to establish world peace and security. है ना, लोग शांति से रहें, अच्छे से रहें, उन्हें एक बेहतर जीवन मिल सके, वो अच्छी तरह से जी सकें, ये सभी चीज़ें UN देख रहा है. ओके. Now certain important words that we came across in the chapter. Organization means a group of people who work together like charity, a union or corporation. यानि बहुत सारे लोग जब एक साथ आकर किसी एक लक्ष्य की तरफ काम करते हैं, especially charity हो गया, union हो गया, etc. Representatives, a person chooses or appointed to act or speak for another. यानि हमने अपना कोई प्रतिनिधि जब कहीं पर भेजा हमारे को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो हमारे बिहाफ पे बोल सके या हमारे बिहाफ पे प्रेजेंट रह सके. एम्ब्लेम मीन्स अ स्पेशल साइन और सिंबल जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिपिक्ट करता हो. अ साइन, अ डिज़ाइन और अ फिगर दैट आइडेंटिफाइज और रिप्रेजेंट समथिंग. एंड एजेंडा मीन्स मुद्दा, ठीक है, पर्पस. द लिस्ट ऑफ आउटलाइन ऑफ थिंग्स टू बी कंसिडर्ड और डन. यानी जो हम मुद्दे हैं जिन्हें हमें करना है, टारगेट्स हैं, उसको हम एजेंडा बोलते हैं. ठीक है. Now let's quickly look over what all we have gone through in this chapter. The League of Nations was set up to bring world peace after World War, right? The United Organization was set up in October 24, 1945, true. India is one of the founder members of UN. It actively participates in all the UN works and peacekeeping efforts. The UN has 6 major organs, alag alag major organs hain UN ke. And last agency, International Monetary Fund, are UN special agencies. Okay. Now it's time to do the exercises. So let's begin. The First World War lasted in. Pehla World War kab tak chala? 1914, 1916, 1912, 1918. So 1918 is the correct answer. Second, the United Nations Charter was signed at Norway, San Francisco, Germany, India. So it was signed at San Francisco. Third one, Security Council compromises dash members 20, 26, 16, 15. 16 members. Okay. Alright, next, fourth, dash of India was the first woman president of UN. Anuradha Rajput, Anita Bhatia, Vijayalakshmi Pandit, Begum Hazrat. So
Vijayalakshmi Pandit was the first woman president of the UN General Assembly. आगे बढ़ते हैं, fill in the blanks. Let's do the fill in the blanks. The Second World War broke out in 1939. द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ था. Okay. So now let's do the second fill in the blank. Dash is celebrated as the United Nations Day all over the world. So 24th October. क्योंकि इसी दिन जो है UN establish हुआ था proper तरीके से. The Dash has the power to admit new members to this UN. UN में new members add कर सकता है the secretariat. Okay. Dash is the legal court of UN ICJ, that is International Court of Justice. All right. Dash runs the Anganwadi program. So UNICEF जो कि child welfare और education के लिए काम करता है, UNICEF Anganwadi programs को promote करता है. Dash joined the UN on 30th October 1945 India. इंडिया शुरू से ही फाउंडेशन मेंबर्स में रहा है, तो इंडिया ने यूएन को 30th अक्टूबर 1945 में ही ज्वाइन कर लिया था. नाउ लेट्स मैच द फॉलोइंग. यूएनओ फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. देन इकोसॉक इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. देन आईएलओ इज इंटरनेशनल लेबर्स कोर्ट, यानी इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन. आईसीजे इज इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस. All right, and then last is WHO, that is World Health Organization. So children, I hope that you have noted all the exercises in your book or notebook, and now you would be able to do them confidently in your copies. I hope that you have also understood the chapter well. आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि UN क्या है, क्यों इसकी रचना की गई और किस तरीके से UN function करता है. 51 कंट्रीज यूएन में मेंबर्स हैं और ये सभी विश्व शांति और विश्व सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं. ऑलराइट, सो विद दिस चिल्ड्रन वी कम टू एन एंड टू टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. आई विल मीट यू अगेन सून विद अ न्यू चैप्टर वेयर वी विल लर्न समथिंग न्यू एंड मोर इंटरेस्टिंग. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय एंड टेक केयर.